दोस्तों बीएसएनएल के तीन प्लान के साथ मिल रहा है एक्स्ट्रा सर्विस। यस, बीएसएनएल का तीन ऐसा प्लान है जिसमें पहले जो सर्विस मिलता था अभी उससे ज्यादा सर्विसेज मिल रहा है। वो तीन प्लान कौन सा है ये जानने के लिए आज के इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से वीडियो बनाकर बीएसएनएल का हर एक अपडेट को डेली कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं हर सुबह के 11 बजे बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को जान लेते हैं। दोस्तों बीएसएनएल का एक 249 का प्लान है। ये 249 प्लान जो है ये प्रीपेड या पोस्टपेड सिम कार्ड प्लान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में प्रीपेड पोस्टपेड सिम कार्ड में भी 249 का प्लान है, जहां पर आपको 45 डेज का वैलिडिटी मिलता है, वहां पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस पर डे और 2 GB करके डेटा भी मिलता है। लेकिन वो वाला 249 प्लान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो तीन प्लान के बारे में बताऊंगा वो तीन प्लान है बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड प्लान। बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है वो सबसे पुराना ब्रॉडबैंड है मार्केट में। जियो एयरटेल वीआई जब अपना ब्रॉडबैंड, अपना वाईफाई, जियो फाइबर वगैरह लॉन्च किया था, तब बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है वो बहुत ही दब गया था। लेकिन अभी बीएसएनएल फिर से एक कदम आगे आ गया है, थर्ड पोजीशन पे अभी बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आ चुका है। और बीएसएनएल का ये जो प्लान्स है ये बहुत ज्यादा सस्ता है, ठीक है। तो इस तीन प्लान के साथ क्या एक्स्ट्रा सर्विस मिल रहा है आप थोड़ा सुन लीजिए, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव जरूर लगेगा। देखिए दोस्तों बीएसएनएल का सबसे चीपेस्ट जो प्लान है, सबसे बेसिक प्राइमरी प्लान जो है वो 249 का है। 249 अगर आप ब्रॉडबैंड पे रिचार्ज करेंगे तो आपको एक महीने के लिए 10 GB टोटल डेटा और 10 Mbps का स्पीड के साथ वो मिलता था, ठीक है, मिलता था। लेकिन अभी 10 GB ही टोटल डेटा मिलेगा, लेकिन आपको 10 Mbps स्पीड की जगह 25 Mbps स्पीड मिलेगा। 249 प्लान स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 10 GB डेटा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है, अगर आप प्रोफेशनल कुछ काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। अगर आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो 249 का रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत ही चीपेस्ट है। इसमें टोटल 10 GB डेटा और 25 Mbps का जो स्पीड है वो मिलेगा। 10 GB डेटा अगर आप खत्म कर देते हैं तो 2 Mbps स्पीड के थ्रू आपका जो डेटा है वो अनलिमिटेड हो जाएगा एक महीने के लिए। 2 Mbps स्पीड के थ्रू चलेगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा लेकिन अनलिमिटेड चलेगा, ऐसा नहीं कि चलेगा ही नहीं बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्लान आता है वो है 299। यस, 299 का जो प्लान है यहाँ पर पहले आपको 20 GB डेटा मिलता था और 10 Mbps का स्पीड मिलता था, लेकिन इसको भी अभी 10 Mbps स्पीड की जगह बढ़ाकर 25 Mbps स्पीड कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी आपको 20 GB डेटा ही मिलता है, ठीक है। तो ये प्लान भी स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग ठीक ठाक यूज करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो डाटा ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये दो प्लान अच्छे नहीं है, लेकिन चीपेस्ट प्लान है स्टूडेंट्स के लिए अच्छे है, ठीक है। 299 पे आपको 25 Mbps का स्पीड मिलेगा और 20 GB टोटल डेटा मिलेगा। और तीसरा जो प्लान है ये बहुत बढ़िया प्लान है और ये भी चीपेस्ट प्लान है, ये हर सब के लिए, हर लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया है। यह है 329 रुपीज़। 329 रुपीज़ अगर आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड पे रिचार्ज करेंगे तो आपको टोटल 1000 GB डेटा मिलेगा। 1000 GB डेटा बहुत होता है दोस्तों, आप महीने भर जितना भी यूज करेंगे 500-600 GB से ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप डेटा कंज्यूम करेंगे फिर भी आप 700-800 GB डेटा कंज्यूम कर पाएंगे, 1000 GB खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर 1000 GB भी खत्म कर लेते हैं आप फिर भी आपका 2 Mbps स्पीड के थ्रू अनलिमिटेड डेटा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 25 Mbps का स्पीड मिलता है, ठीक है। तो ये तीन प्लान बहुत बढ़िया है और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक लैंडलाइन कनेक्शन भी दिया जाता है, तो इसीलिए ये तीन प्लान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।